फरमाते हैं पहला मतलब ये है, एक बंदा ऐसा है जिसने मुआवजे के अंदर अपनी आंखों के साथ जुर्म होता हुआ देखा है। मुआवजे में घर में घर से बाहर किसी जगह के ऊपर भी उसने कोई बिल्कुल अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है। जब उसे गवाही के लिए बुलाया गया उसने झूठ बोल दिया कि मैंने तो देखा भी, तो उसने अपनी दोनों आंखों में क्या बोला तब जो फरमाया था हदीस के बाद हुक्म देना अल्लाह बहुत तीर को जगह है आमिर कहते समझ आए। फरमाते हैं जैसे बंदे ने मुआवजे के अंदर कोई जोर देता है अपनी आंखों के साथ देता है, किसी को चोरी करते हुए देता है, किसी को मद की तारी करते हुए देता है, किसी का माल लूटते हुए देता है, कोई और जोर करते हुए देता है, उसको गवाही के लिए बुलाया गया, वो आया और उसने झूठी गवाही दे दी और कहा कि मैंने तो देखा भी। ये जो हमारे मुआशरे में हो तो नहीं रहा, बिल्कुल हो रहा, हमें तो नहीं बताना क्योंकि आपस में रहते हैं मौलियत बार नहीं बताऊ समझ आ गई जनाब है। हम तो किताबों में पढ़ते हैं तो आपको सुना दी है, आपसे तस्दीक लेनी होती है और तारीफ लेनी होती है कि मुआशरे चीज जो बात करते हैं तो वो मुआशरे में किस तरह से आगे आती है। फरमाया पहला आदमी जो अपनी आंखों से झूठ बोलता है ये वो आदमी है, अपनी आंखों से देखा है मगर अपनी आंखों को झुठला रहा है कि मैंने देखा, झूठी गवाही देता है। नंबर दो, एक आदमी ऐसा है मुआवजे के अंदर एक वाकया हो गया उसने नहीं देखा, वो मौके के ऊपर मौजूद नहीं है मगर उसे दोस्तों की दोस्ती निभानी पड़ गई, उसे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी निभानी पड़ गई, उसने अदालत के अंदर किसी जगह के ऊपर खड़े होकर गवाही दे दी कि बिल्कुल किसी तरह मैंने देखा है, भाई तू मौके पर मौजूद था मैं मौके पर मौजूद था हालांकि वो नहीं था, वो भी अपनी आंखों पे सच बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। किराए के गवाह सुने हुए आपने वो हमारे बहुत अच्छी लिखते हैं कि शहादत और उजरा गवाही देना उजरत के ऊपर पैसे लेकर, उर्दू में उसको क्या कहते हैं किराए के गवाह। ठीक है जी, हम गवाही देते हैं जी, वो है जी हमारी आंखों के सामने हालांकि आंखों ने देखा नहीं होता फिर भी गवाही देते हैं झूठी गवाही, तो ये आंखों के ऊपर क्या बोल रहा है। पहला है कि देखा है, झूठी गवाही देके कहता है मैंने देखा, ये भी आंखों पे क्या बोलना है झूठ बोलना है। नंबर दो, देखा नहीं कहता मैं गवाह हूं मौके पर मैं गवाही देता हूं, तो ये भी अपनी आंखों पे क्या बोलना है। ये हमारे मुआशरे की कितनी आम साफ बीमारी है। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, मन का नवाना आई नहीं है जिसने झूठ बोला किस पर अपनी दोनों, दुनिया में तो हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए लेकिन लंबिया हवा चन्ना जो चन्ना की कुछ बोली सो। तीसरा माना जो मौजूदी से लिखा है कि आंखों पे झूठ बोलता है, कोई ऐसा काम है लोगों के सामने बयान कर रहा है लेकिन उसने वो ख्वाब देखा, ख्वाब बयान कर रहा है मुझे हुजूर ख्वाब में मिले, मुझे सहाबा ख्वाब में मिले, मुझे फलाहत से मिली है, वो मुझे ये कह रही है, समझ आ गया। हालांकि वो मिले झूठ वो देता है अपनी आंखों के ऊपर के मैंने ख्वाब देखा है हालांकि देखा होता। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं देख लो मुआशरे के अंदर देखकर झूठी गवाही देना या नहीं देखी फिर भी देखी हुई गवाही को कैंसिल देना दोनों तरीकों से झूठी गवाही दे देना। नंबर तीन, ख्वाब देखा नहीं है कैसा मैंने देखा है और निस्बत कर देता है
अरे जन्ना कोई बंदा जन्नत की खुशबू भी सूंघ सकेगा। सिर्फ दो तीन हदीस जो है ना, दो तीन झूठी गवाही के ऊपर और एक झूठे ख्वाब पर आपको अपने नबी के फरमान सुनाता हूं। अल्लाह शेर का नाम सुनौर है, अपने शेर का सुनौर है। छोटी सारी चीज है या बहुत बड़ी चीज है? बहुत बड़ी चीज है। अब जरा सुनो मुहद्दिसीन के हवाले से सुनो, ये सुना है तिर्मिज़ी इस वक्त मेरे सामने है। इमाम तिर्मिज़ी ने बाप बांधा है बाप माजा आपकी शहादत शुरू, झूठी गवाही के बारे में, झूठी झूठी गवाही भी कौन सुनते हैं? या देखा है कि मुकर जाता है कि मैंने देखा, या है ही नहीं और गवाही दे देता है। इसके अलावा और मैं उन्हें इतनी सुना नहीं। जरा देखिए अल्लाह سبحان اللہ حضرت قریب ابن فاتح الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر روایت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں ان رسول اللہ یہاں پر بہت سے لکھتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح کی نماز پڑھائی فلما انصرف نماز پڑھ کے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر دیا قام قائما پھر بیٹھے نہیں اللہ کے معبود پیغمبر کھڑے ہو گئے فقال اور آپ نے فرمایا کہا امیلت شہادت الزور بالشرک باللہ اللہ نے قرآن میں جھوٹی گواہی کو شرک کرنے کے برابر قرار دیا ہے جھوٹی گواہی کو قرآن نے اس کے برابر قرار دیا ہے پھر میرے نبی نے آیت پڑھی قرآن جس میں پہلے شرک کا تذکرہ ہے پھر جھوٹی گواہی کا تذکرہ ہے اللہ ادھر سنیے حضرت قریب ابن فاتح کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں تن سو رہا ہے اللہ کے نبی کھڑے ہو کر درس دے رہے اور فرما رہے ہیں امیلت شہادت الزور بالشرک باللہ اللہ نے اپنی کتاب میں جھوٹی گواہی کے گناہ کو برابر قرار دیا ہے کس گناہ کے شرک کے برابر قرار دیا ہے اللہ کے نبی نے یہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ فرمایا پھر دوسری مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی کا گناہ کس گناہ کے برابر ہے حضور کی سنت کے لیے تین مرتبہ میں بھی کہہ رہا ہوں سمجھ آئے گی جھوٹی گواہی کا گناہ کس گناہ کے برابر ہے شرک کے برابر ہے ثم تلا هذه الآیات پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی سطر پارے کی آیت پڑھی اور فرمایا تجتنبوا الرجس من الاوثان وتجتنبوا قول الزور اے لوگوں ہر قسم کی گندگی جو جھوٹوں کی عبادت میں ہے فرمایا تجتنبوا الرجس من الاوثان پرتوں کی گندگی سے بھی بچو اور تجتنبوا قول الزور اور جھوٹی گواہیاں دینے سے بھی جو سمجھتا ہے کہ شیر کا کتنا گناہ ہے اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے کبھی بھی جھوٹی گواہی دینی تو جھوٹی گواہی دینا اپنی آنکھوں پہ کیا بولنا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا من کا دوانا آئی نہیں ہے جو بندہ اپنی دونوں آنکھوں پہ جھوٹ بولے گا اپنی دونوں آنکھوں میں دیکھا ہے واقعہ مکر جاتا ہے میں نے دیکھا جھوٹ بول گیا یا دیکھا ہی نہیں کہتا ہے میں کمائی دیکھتا ہوں میں بہت پورے بول ہوں میں کمائی دیکھتا ہوں سمجھا نہیں تو حضور کیا کروا رہے ہیں یہ قرآن آپ کے لیے شروع کیا ہے پہلے پانچ دن کے لیے جنت کی ضمانت ہے
अब रोशनियों की आए से इनको जंगल की खुशबू भी नहीं मिले। उनमें पहला नंबर किसके जो आज मेरे गैस बयान कर रहा हूं, जो अपनी दोनों आंखों से क्या बोल पाए, तीन मतलब को हम तीन के बयान। पहला झूठी गवाही से क्या देना, उसकी दोनों झूठे देखा है वाकया लेकिन कहता मैंने देखा ही, या आज ने गवाही दे देता है ठीक है मैं गवाही देता हूं कि मैं मौके पर गया था। दोनों सूरतों में अपनी आंखों के क्या बोल रहा है, अल्लाह के नबी फरमाने झूठी गवाही देने वाला बंदा जन्नत की खुशबू को शोभ, उसकी पहले सफाई होगी, पहले उसकी क्या होगी सफाई होगी, उसको सदका लगेगा, उसके अंदर जो मैल कुछ है जन्नत की आग से उसको पार किया जाएगा। फिर अगर मोदे और मुगल है तो सरकार भुगतने के बाद फिर जन्नत में उसको दाखिल। इसलिए झूठी गवाहियों पर लोगों का फायदा होता है या नुकसान, तो दुनिया में उसने झूठी गवाही लेकर लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, आखिरत में उसके लिए भी तकलीफ जरूरी है। आज हमको झूठे लोगों के मामला हो झूठे गवाह बन जाते हैं, झूठे गवाह क्या है भाई बन जाते हैं, कोई परेशानी का मसला नहीं है। क्यों बंदे इतबार कर जाए ना हाजी साहब है, हाजी साहब की वाले हैं समझ आए, बंदा इतबार कर जाए ना नमाज भी लेगी क्या मसला है। आइए मैं आपको एक और मसले के साथ अल्लाह के नबी का एक वाक्य सुनाता हूं जिसमें मेरे नबी को सहाबी आए थे गवाह बनाने के लिए। जब सारा वाक्य सुनाया हुजूर ने फरमाया कि जुल्म है और मोहम्मद जुल्म पे गवाह बन सकता, जिसकी औलाद है वो तवज्जो से इस वाक्य को सुनेगी, सारे की औलाद है अल्लाह ने उसको पाल दिया है बड़ी तवज्जो से सुनेगी। देखिए जरा अल्लाह अल्लाह के हाथ है जबी और सदर काफी है, वो बयान करते कहते हैं अल्लाह बशीर होती अल्लाह होगा। ये एक वाक्य अगर आप सुन देखिए नुमान पे बशीर कहते कि मेरे वालिद साहब जो थे ना बशीर रबी अल्लाह तआला अनु, उन्होंने और शादियां भी कर रखी थी, मैं अपनी मां से अकेला था, मैं अपनी मां से क्या है मेरी मां है ना उसके ऊपर बड़ा दबाव रहा कि मेरे एक बेटे के लिए बाकी देशों के मुकाबले में अलग का कोई नहीं थी बता, उस वक्त भी मैं नहीं आ रहा था। आज भी इच्छा होती है कि ठीक है भाई हम दूसरा देश का बेटे हैं मगर जो हमारा लगाता होगा ना सलाम की रूप के नाम करने क्या है जरूरी हुई, तो वो कहते कि यही बाबा ने मेरे वालिद पर दबाव डाला, उन्होंने कहा ठीक है मैं कहलाता हूं, मैं आज चीज जो तू कहती है ना तेरे बेटे के नाम बाकी बेटों के मुकाबले में क्या है करवा देता हूं। जब वो तैयार हो गए कहते मेरी बाबा ने कहा चलो भाई तू तो तैयार हो गया लेकिन अल्लाह के नबी को इस बात पर गवाह बनाना है कि बाकी आतंक तूने ये चीज मेरे बेटे को हिमा उसने कहा ठीक है अल्लाह के नबी के पास जाते हैं। अब जरा तवज्जो करना चाहते हैं सुभान अल्लाह, हजरत नुमान में बशीर मिंबर पे बैठी है अपना वाक्य सुना रहे हैं, कहते हैं अहुआ मलल मिंबर यकूल आतानी अभी अतिया, मेरे वालिद ने मुझे एक खास चीज अतिया की हिबा की मेरे दास करके बकालत अमरा तू बिंतु रवाना, मेरी वालदा अमरा बिंत रवाहा कहने लगी लामरता मैं उस वक्त तक राजी नहीं होंगी हत्ता कुछ हिबा रसूलुल्लाह हत्ता के इस अतिये के ऊपर तू गवाह बना दे इसको अल्लाह के। अब क्या करना